अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फायर ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह ताजिज। आज हमारा लंच जो है वो ताजिज में। यहाँ पर ताजिज की थोड़ी सी मैं चीज़ बता दूँ, ये जो है ये चिकन वगैरह जो लेते हैं ये लोग फकी से लेते हैं, फकी चिकन। तो चले हम लोग वहाँ चलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और हम लोग जो जा रहे हैं वो तहलिया वाली ब्रांच पर जा रहे हैं। ये ताजिज के अंदर बेसिकली जो है ना सबको पता ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पर जो है बस ये ब्रोस्ट और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पर, और मेन्यू आप लोगों को दिखाते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है। हमारे साथ हमेशा की तरह फवाद भाई हैं, और हम लोग निकलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, बेसिकली जो है ना ये ताजिज जो है बारबेक्यू चिकन वगैरह जो है ना यहाँ पर मिलती है, और बहुत सारे इनके आइटम्स हैं। ताजिज के बारे में तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं ताजिज के बारे में। तो पर थोड़ा सा इसकी मैं हल्की फुल्की सी हिस्ट्री बता दूँ जो मुझे पता है। इसकी सबसे पहली ब्रांच जो खुली थी वो खुली थी मक्का में, और सेकंड ये है कि इसकी अभी मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे किंगडम में। आई थिंक इतने ज़्यादा हैं ब्रांचेज। और इसके जो ऑनर हैं जो फ़कीर पोल्ट्री फार्म के नाम से यहाँ पर है, फ़कीर पोल्ट्री फार्म, उसके जो ऑनर हैं ना वो उन्होंने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था, ये ताजिज को जो लॉन्च किया था वो उन्होंने किया था। अब्दुलरहमान फ़कीर उनका नाम है। तो माशाल्लाह अब यहाँ पर जो है ना वो पूरे किंगडम में ये फैल चुका है, और मेरे ख्याल से सऊदी से बाहर भी है ना। दुबई मुसब भाई हमारे साथ बैठे हैं, दुबई वगैरह में भी है ये। मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहों पर है ये, अरब ये गल्फ कंट्रीज़ में, तो बहुत सारी जगहों पर है ये। अच्छा, इनकी जो चिकन जो आती है ना वो बेसिकली उसके अपने फॉर्म से आती है, जो अब्दुलरहमान फ़कीर था जिसका ये ऑनर है ताजिज का। तो इनके अपने फॉर्म से जो है इनकी फ्रेश चिकन आती है बिल्कुल, और ज़बरदस्त फ्रेश। ताजिज का बेसिकली जो नाम ही है ना वो फ्रेश है, अरबी में कहते हैं इसको फ्रेश को, अरबी में कहते हैं ताजिज, तो उसका नाम ही बेसिकली ये है। और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश चिकन होती है इन लोगों की। और बहुत सारे इनके जो थोड़े फेमस आइटम है वो फॉर एग्जांपल जैसे महाराजा राइस हो गया, फरोज हो गया, और स्पाइसी ब्रोस भी इनका अच्छा होता है, अगर से हट के आप ट्राई करना चाहें। स्पाइसी ब्रोस भी अच्छा होता है, और इनका भी एक रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है एक चिकन क्रिस्पी रोल, चीज़ी रोल इनका, वो बहुत अच्छा है, वो भी हमने खाया था तो वो भी बहुत अच्छा है। आज 12 तारीख है ना भाई, आज 12 तारीख है यहाँ पे 12 अगस्त, और गर्मी बहुत जो है ना ख़तरनाक किस्म की गर्मी हो रही है यहाँ पे। आज उस्मान की भी तबीयत ख़राब हुई थी पीछे हमारे। अच्छा, उस्मान बहुत ठीक है, नहीं है बहुत गर्मी है आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर जिद्दा में। मर रहा हार लियोम पहुँच गए हम लोग ताजिज। हरस ये मेरा नहीं है भाई, ये मेरा नहीं है, मैंने नहीं मंगवाया इसको। क्या कहते हैं हम लोग, फरोज यस, इसको हम कहते हैं फरोज, स्मॉल फरोज। तो लार्ज फरोज कौन सा है और मैंने जो मंगवाया है वो मैंने मंगवाया है क्रिस्पी रोल। ये क्रिस्पी रोल है, ये इनकी नई प्रोडक्ट है, नई भी नहीं है तो खैर काफ़ी पुरानी हो गई है, 2-3 महीने 3 महीने 4 महीने तो हो ही गए इनको आने के बाद मेरे ख्याल से। तो पहले हम लोग खाते हैं इसको, ट्राई करते हैं, बहुत ही क्रिस्पी है भाई। उफ, नाम की लाज रखो, वो कहाँ है वो बड़ा वाला, हाँ ये रहा, ये खाता हूँ मैं सब। ये तो तमीना है, ये तमीना नहीं, कहीं ना ये ताइना है, ये तमीना नहीं है। ये देखिए शादी कह रही है, शादी कह रही है, ये तमीना, ये तमीना है।
भाई हूँ, तो हम लोगों ने जो है रोस्ट वगैरह अभी खा लिया। बहुत मज़ेदार था इसका। इसकी जो है ना इसकी खासियत यही है कि बहुत ताज़ा होता है। इसकी हर चीज़ चिप्स वगैरह हो गई, इसकी रोस्ट हो गया, ये हर चीज़ माशाल्लाह बहुत ताज़ी है। और ये सऊदीया के अंदर जो है ना ये टॉप रैंकिंग में आते हैं रोस्ट में, अलबेक, ताज़ेज और कैटिकेट है और दूसरे बहुत सारे हैं बड़े बड़े नाम जो है ना, ये मैकडॉनल्ड, केएफसी, ये सब तो खैर सबको पता ही, बहुत ही कॉमन है। और मैंने तो खैर रोल मंगवाया था, मैं आजकल थोड़ा ज़रा डाइटिंग कर रहा कम खा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद भी इतना बचा है तो मुझे मजबूरन खाना पड़ा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, यहाँ पर काफ़ी लोग तो पहले से जानते हैं ताजिश तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो इंडिया और पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा टॉप रैंकिंग में ये रोस्ट आते हैं यहाँ पर, ताजिश चल रही और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। तो चलें मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह एक दूसरे ब्लॉग में। एक और रोस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, अभी मुझे याद दिलाया मौसम ने, तो मैं इंशाल्लाह अब उसका ब्लॉग बना लूँगा बना के। यही वजह है कि जो मेरा पेट निकल रहा है, यहाँ पे लोग जो बजा देते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लगता छोड़ना है, तो मैं खा लेता हूँ। तो चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।